दोस्तों सेवन सिस्टर्स की जब हम बात करते हैं, जिन लोगों को ना पता हो उनको मैं बता दूं कि सेवन सिस्टर्स हम जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो 7 स्टेट हैं उनको मिला के सेवन सिस्टर्स उनको कहते हैं हम। और आपको जब भी सेवन सिस्टर्स की बात आती है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जब हम बात करते थे तो वहाँ पर मेजरली एक ही प्रोविंस हुआ करता था, एक ही स्टेट हुआ करता था, और वो हुआ करता था आसाम। तो आसाम पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, उसके अलावा दो प्रिंसली स्टेट्स थे, एक था मणिपुर और एक था त्रिपुरा। अदरवाइज मेजरली आसाम ही हुआ करता था, और उससे बाद में जाकर ये बाकी स्टेट्स बने। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आसाम एक ऐसा स्टेट है सेवन सिस्टर्स का जो बाकी के 6 जो स्टेट्स हैं सेवन सिस्टर्स में उन सभी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश के साथ कर रहा है, इधर नागालैंड के साथ कर रहा है, इधर मणिपुर के साथ कर रहा है, इधर मिजोरम के साथ कर रहा है, इधर त्रिपुरा के साथ कर रहा है, इधर मेघालय के साथ कर रहा है। उसके अलावा इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी ये शेयर करता है, यहाँ पे भूटान के साथ, यहाँ पर बांग्लादेश के साथ, ठीक है, लेकिन इस तरफ पड़ता है हमारा म्यांमार, म्यांमार के साथ ही बॉर्डर शेयर नहीं करता। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब हम देखते हैं हमें कौन से स्टेट देखने हैं। तो हम 4 स्टेट्स को एक साथ देखेंगे, कॉम्बिनेशन में देखेंगे। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। तो इसको एक ट्रिक के साथ मैं हमेशा याद रखता हूं, मैं आप लोगों को भी बता देता हूं। तो ट्रिक ये है, अरु ना मामी, ठीक है, अरुणा मामी, कोई आपकी मामी जी हैं उनका नाम मान लीजिए कि अरुणा है, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है अरुणा और अलग अलग है अरु ना फिर मामी। तो अरु से क्या हो गया अरुणाचल, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर और मी से हो गया मिजोरम। तो यही है अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से हम चल रहे हैं, पूरा सीक्वेंस में चल रहे हैं, सीक्वेंस में बना बना रखा है मैंने अरु, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब यहां से एक हेल्प आपको मिलेगी कि जब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये 4 ही स्टेट हैं जो म्यांमार में, जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अरुणा मामी से आपको सीधा सीधा याद हो जाना चाहिए। और उसके अलावा एक और चीज, जो ये मिजोरम है ना, मिजोरम की लोकेशन आपको जानना पर्टिकुलरली बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अगर माइंड मैपिंग करनी है कि अगर हमें कोई स्टेट बोला जाए और हमारे दिमाग में प्रोजेक्ट हो जाए कि इसकी लोकेशन क्या है, तो उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेट को ध्यान रखना पड़ेगा। मिजोरम को मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ले दे रहा हूँ कि सबसे नीचे अगर हम सेवन सिस्टर्स में गए, सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट जो आपको देखने को मिलेगा वो मिजोरम देखने को मिलेगा। तो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, इसमें जेड आता है, देखो मिजोरम में जेड काफी प्रोमिनेंट है ना ये लेटर। तो जेड क्या है, एकदम लास्ट में आता है, ठीक है, जब हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं सबसे लास्ट में जेड आता है। तो इस वजह से मैं इस तरह से याद रखता हूँ कि मिजोरम जो है वो सेवन सिस्टर्स में सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट है। और ये इसकी बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इधर ये म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही यहाँ पर ये बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो अरुणा मामी से ये 4 स्टेट हो गए। अब 2 स्टेट जो हमारे बचे हैं, त्रिपुरा और मेघालय, तो इनको भी हम अरुणा मामी के साथ ही थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे ट्रिक को। अरुणा मामी के साथ आप जोड़ देंगे तुम्हारा मायका, मायका आगे कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हो आप अपनी अरुणा मामी से कि अरुणा मामी तुम्हारा मायका कहाँ है। तो अरुणा मामी से तो ये 4 स्टेट्स हो गए। अब तुम्हारा और मायका से 2 और स्टेट हमारे हो जाएंगे। तुम्हारा से आप याद रखेंगे हम यहाँ पे त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, ठीक है, और मायका से हम याद रखेंगे कि यहाँ पे मेघालय की बात हो रही है। तो अरुणा मामी तुम्हारा मायका कहाँ है, इससे हमारे ये 6 स्टेट हो गए। और इस तरीके से हमने देखा कि ये इस तरीके का हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं, और क्लॉक वाइज में यहाँ पे हमको ये स्टेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मेघालय जब हम 9 बजे क्लॉक हमारी इस तरफ होती है ना, 9 यहाँ पे बज रहे होते हैं, तो 9 बजे में मेघालय हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अरुणा मामी तुम्हारा मायका कहाँ है, इससे हमें ये 7 में से 6 स्टेट्स याद हो गए, और असम तो हमें याद है ही। अब त्रिपुरा की लोकेशन आपको यहाँ पे देखनी है। त्रिपुरा की लोकेशन अगर आप देखेंगे, ये तो 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये चीज़ पूछ ली जाती है, इधर से देखिए, इधर से देखिए और इधर से देखिए, तीनों तरफ से ये घिरा हुआ है, ये इसकी इंटरेस्टिंग बात है। अब मेघालय की अगर हम जब बात करें, तो मेघालय एक तरह से पहले इधर इधर वाला जो रीजन है ना, यहाँ ये जो इधर का रीजन है इसका पार्ट हुआ करता था पहले ये, ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट होती है, प्लेट्स की मूवमेंट होती है, हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ उसकी वजह से, मतलब वो काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले मेघालय इधर, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है इस एरिया में, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ करता था पहले ये, लेकिन फिर ये थोड़ा धीरे 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 मूवमेंट जब प्लेट्स की हुई उसकी वजह से ये खिसक 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 के ये यहाँ पहुँच गया, और
जो नदी होती है उसके डिपॉजिट से पूरा ये बांग्लादेश वाला रीजन बन गया, ठीक है, मिट्टी आके यहाँ पे बांग्लादेश बन गया, और इसीलिए यहाँ पे एक फॉल्ट है जिसको बोलते हैं मालदा गैप। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको इससे क्या याद रहेगा कि मेघालय थोड़ा वेस्टर्न साइड में है, अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें तो उनके केस में, और इसी वजह से अगर इसकी आप बाउंड्रीज देखेंगे तो ये सेवन सिस्टर्स में से सिर्फ एक ही स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है और वो है आसाम, ठीक है। तो आई होप अब आप लोगों को सेवन सिस्टर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छे से, और अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है जिसमें हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स वगैरह की बात करेंगे तो उससे और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो याद रखें ट्रिक, अरुणा मामी तुम्हारा मायका कहाँ है।